Welcome to Healthy Homes. Please subscribe to our channel and click the bell icon to never miss any update from Healthy Homes. तो आज इस वीडियो में हम आपको राई का तकिया बनाना सिखाएंगे। राई का तकिया लगाने से बच्चे का सर एकदम गोल बना रहता है। इसके लिए हमें एक ही सिंथेटिक कपड़ा चाहिए होता है और ये राई। राई को हम मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं या सरसों के बीज। इस इतने लंबाई की तकिया बनाने के लिए आपको करीब 1 किलो राई की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम तकिया इसको कैसे बनाना है इसको सीखेंगे। बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सिंथेटिक कपड़ा चाहिए। देखें इस तरह का सिंथेटिक, ये बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, इसलिए ताकि इसमें राई जो है वो सरक सके। अब ये कपड़ा क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। ध्यान रखें कि बहुत छोटा भी ना करें, बहुत छोटा कर देने पे बच्चे को क्योंकि दिन ब दिन बड़े होना है तो वो यूजलेस हो जाएगा छोटा तकिया आपका, और ये काफी दिनों तक काम आएगा। और इसको लगाने से बच्चे का सर बिल्कुल गोल रहता है। ये देखिए करीब इतना बड़ा तो रखें। अब इसको आपको सफाई से या जैसे भी इसको स्क्वायर शेप में काट, हमने इसको इस कपड़े से अलग करी, इसको अलग रख देंगे। अब ये हमारा कपड़ा तकिया बनाने के लिए तैयार है। अब इसको ऐसे करके सब तरफ से हमें सिलाई मार देनी है, थोड़ा सा गैप रखेंगे जिसमें से हम उसमें राई भर सकें। अब इसको सिल लेते हैं। हमने चारों तरफ से सिलाई मार दी, ये देखिए सब तरफ से सिलाई हो गई है, इतनी ओपनिंग छोड़नी है। अब यहाँ से हम इसमें राई भरेंगे। इस फनल को इसमें डाल करके इसमें से इसमें राई भरनी है हमें। ये देखिए इस तरह से हमें हर बार ये राई डालना है जब तक कि ये तकिए के कपड़े को आधा कवर ना कर दे। ये देखिए राई इसमें चली गई। तो इस तरह से हमने पूरी राई इसमें भर दी है। ये देखिए आप देख सकते हैं तकिए के आधे पोर्शन में राई है और आधा देखिए खाली है। अब हमें ये खुले वाले हिस्से को सुई की मदद से या मशीन से सिल देना है। तो ये हमने बाकी का हिस्सा भी मशीन से सिल दिया है। अब देखिए आप देख सकते हैं इसमें आधे पोर्शन में राई और आधा खाली है। तो ये हमारा तकिया बनके तैयार है राई का। इसमें बच्चे का सर यहाँ रखेंगे तो ये बिल्कुल गोल बना रहेगा और राई बाकी का स्पेस ले लेगी, जिससे बच्चे का सर बिल्कुल गोल रहेगा। क्योंकि बच्चे का सर 8वें और 12वें महीने तक भी शेप लेता है, इसलिए आप इसको साल भर तक करीब यूज कर सकते हैं। कपड़े को हम बार बार धो नहीं सकते और ये गंदा हो सकता है, इसलिए इसके लिए एक कॉटन कपड़े का कवर बना दें, उसको पहना कर बच्चे को इसमें लिटाएं और जब वो गंदा हो जाए तो उसको धो करके वापस इसमें चढ़ा सकते हैं। इस तरह के 2-3 कवर बना के रख लें। ये को डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये कपड़ा कॉटन का है तो ये बच्चे की स्किन के लिए भी अच्छा है। और इस तरह के आप 2-3 कवर बना लें जो वॉश करके इस तकिए पे चढ़ाते रहें और ये तकिया हम बच्चे को यूज कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप योर रेसिपी टू 8707760314 और यू कैन मेल इट टू अस एट हेल्दी होम 111@gmail.com and become a part of Healthy Homes family.